अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज वैलेंटाइन डे स्पेशल के दिन मैं आपको वैलेंटाइन हार्ड बनाना बताती हूँ। उसके लिए हमें ये वॉशेबल है, वॉशेबल वूल चाहिए हमें, और ये नीडल 1.1 mm, ये मेरा मैक्रम है, मैक्रम वूल, मैंने मैक्रम यान यूज़ किया है रेड कलर में। इसके लिए सबसे पहले हमें चेन लेना होगा। मेरी 1.1 mm नीडल है, क्रोशेट नीडल। हम चेन लेंगे, 8 चेन लेंगे 8 चेन 10 चेन 12 चेन, आप ऐसे चेन्स लीजिए, जितनी आपको जितना बड़ा हार्ट बनाने का है उतना बड़ा आप चेन लीजिए। मैंने 10 चेन लिए। फिर एक चेन एक्स्ट्रा लेकर हम ऐसी करेंगे नेक्स्ट चेन में। एक चेन एक्स्ट्रा हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारा यान, जो हमारी लाइन ऊपर जाती है तो उसको एक लेंथ मिलती है, तो इसलिए हम वो एक चेन एक्स्ट्रा लेते हैं। इस तरह आप पूरे 10 चेन के ऊपर 10 एससी बना लीजिए। ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब इसे टर्न कर दीजिए, ये मैंने इसे घुमाया, देन नेक्स्ट चेन, फिर फर्स्ट एससी में एक एससी, फर्स्ट सेकेंड में सेकेंड, थर्ड में थर्ड। इस तरीके से हमें पूरी लाइन कंप्लीट करना है, और इस तरीके से हम 5 लाइन बनाएंगे। अगर हमने 10 चेन ली है तो हम 5 लाइन बनाएंगे, मतलब जितनी भी चेन आपकी है उसकी हाफ हाफ हम तादाद में चेन लाइन बनाएंगे। अब मैं छठी लाइन बना रही हूँ, जिसमें मैं 10 चेन नीचे ली थी तो मैं 5 पर ऐसी करूँगी। ये हमारा ये सेकेंड स्टेप है। 10 नहीं लेना है, अभी मैंने 5 लिया है, 5 एससी पर 5 एससी। इस तरह 5 एससी की भी हमें 5 लाइन लेनी है। आपको जितना बड़ा बनाना है आप अंदाजे से बराबर हाफ का हो ना लें, जितनी चेन है उसका हाफ में है हमारा, ये हाफ लेना है। ये देखिए लास्ट में यहाँ पे मैंने 5 ऐसे की लाइन हो गई, 5 लाइन, उसके बाद मैंने इसे कट कर लिया। इसी तरह हमें 2 पीस तैयार करने हैं। एक पीस मैंने तैयार करके रखा हुआ है, ये 2 पीस है। दोनों पीस को एक के ऊपर एक रख के हमें स्टिच करना है, यहाँ पर ऐसे करके ऊपर के सर्कल को हम स्टिच करके सिर्फ एक कॉर्नर खुला रखेंगे हम। ये देखिए यहाँ से हमने यान पास करना है इसके सर्कल में से, यहाँ साइड से इधर से लेकर हमें पूरा इसे स्टिच कर लेना है अच्छे से। करीब करीब करना, दूर दूर नहीं करना है हमें, करीब करीब से स्टिच इस तरीके से करते हुए पूरा यहाँ तक करना है, और इतना सा खुला रखेंगे हम। ये देखिए मैंने तैयार हो गया है। अब इसे हम सीधा कर देंगे, ये इसको टर्न करेंगे। टर्न करने से सब इसके जो एजेस निकले हुए हैं और जो सब है वो सब अंदर की तरफ जाएंगे। टर्न करने के बाद यहाँ पर हमने मैक्रम लिया है, उसे वेलक्रॉन को हमने अंदर फिल कर देना है। ये वॉशेबल है, वॉशेबल कॉटन हमें मिलता है मार्केट में, इजीली अवेलेबल है, ना तो आप कोई भी पुराने सॉफ्ट टॉय से भी निकाल सकते हैं, बच्चों के पुराने खिलौने हो जाते हैं उसमें भी होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं आप। अब ये जो खुला हुआ हिस्सा है उसमें से एक एक टाका हम साइड साइड से उठाकर उसको स्टिच करेंगे। इस तरह से स्टिच करना है कि इसकी स्टिच ऊपर दिखाई नहीं दे, हमें स्टिच करते वक्त इसकी स्टिच को छुपाना है क्योंकि ये ऊपर की साइड है, तो एकदम सफाई से स्टिच कीजिएगा। एक एक यान को एक इस तरफ से एक उस तरफ से उठाकर साइड टू साइड करना है हमें स्टिच। इस तरीके से पूरा स्टिच हो जाने के बाद ये इतना सा तकरीबन धागा लीजिए आप, मैंने इसमें नॉट डाला है, ये हमें हैंगिंग के लिए बनाना है। नॉट को अच्छे से करके फिर इस तरीके से यहाँ से अपर साइड से नीडल पास करके नीचे की तरफ लें, और यहाँ से जो लूप वाला हिस्सा है इसे खींच लें ऊपर। इससे क्या होगा, ये गांठ अंदर की तरफ चले जाएगी, जो नॉट का हिस्सा उसे अच्छे से खींचकर नॉट को भी ऊपर ले लें, तो ये नॉट के ज़रिए अटक जाएगा। और फिर हमें इसे रिंग में पास करना है। ये देखिए आपकी किचन स्टार्ट तैयार हो गई है।
ये रहा प्यारा सा हार आपके वैलेंटाइन के लिए बेस्ट गिफ्ट। एक और मैंने बना के रखा है, मैं इसे इसमें ही शिफ्ट कर दूंगी क्योंकि दो हार्ट ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये रहा एक आपका, एक आपके वैलेंटाइन का हार्ट। अगले वीडियो में मैं आपको और ऐसे ही अलग अलग टाइप के हार्ट्स बनाना बताऊंगी। इंशाल्लाह सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वॉच माई वीडियो, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। मैं आपको कार्ड्स बनाना भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। वैलेंटाइन डे तक का आपके लिए नए नए गिफ्ट्स मैं बनाना बताते रहूंगी। तो प्लीज़ स्टे विद मी।